एमपी के रीवा में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 5 फरवरी से निर्धारित परीक्षा केंद्रों में आरंभ हो रही हैं, जिसको लेकर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सभी केंद्राध्यक्ष बोर्ड के निर्देशों का कठोरता से पालन करते हुए परीक्षा संचालित करें। परीक्षा केंद्र परिसर में किसी भी व्यक्ति के पास मोबाइल फोन पाया गया तो कठोर कार्यवाही की जाएगी। केंद्राध्यक्ष भी मोबाइल फोन लेकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश ना करें। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कई कठोर उपाय किए गए हैं। प्रश्न पत्र के थाने से परीक्षा कक्ष तक लेकर आने के प्रोटोकॉल का कठोरता से पालन करें। बोर्ड परीक्षाओं में गोपनीयता भंग होने पर FIR दर्ज करके कार्यवाही की जाएगी। प्रश्न पत्र परीक्षा कक्ष के अंदर पर्यवेक्षक द्वारा परीक्षार्थियों के सामने खोला जाएगा। प्रश्न पत्र ABCD की सीरीज में होंगे। इन्हें वितरण की तालिका निर्देशों में दी गई है। प्रत्येक कक्ष में तालिका प्रदर्शित कर दें, उसी के अनुसार प्रश्न पत्रों का वितरण कराएं। निर्धारित क्रम के अनुसार प्रश्न पत्र का वितरण न होने पर भी कार्यवाही की जाएगी। अपने यहाँ बोर्ड परीक्षाएं 2023-24 के लिए जो तैयारी की गई है, जो शैक्षणिक सत्र है उसके लिए जो दिशा निर्देश आए हुए हैं उसमें सहायक केंद्राध्यक्ष और केंद्राध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। साथ ही कलेक्टर प्रतिनिधि बनाए गए हैं जो कि एक थर्ड पार्टी की तरह ऑब्जर्व करेंगे पूरी प्रक्रिया को। तो प्रक्रिया ये रहेगी कि जो भी प्रश्न पत्र आएंगे वो प्रश्न पत्र अपने यहाँ एक समन्वय केंद्र पर आकर के फिर थानावार उनको रखा जाएगा और केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष को ये जवाबदारियाँ दी गई हैं कि जो केंद्रों पर व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार की रहेंगी। तो उनमें दो तीन चीजें जो सबसे ज्यादा फोकस करने वाली हैं कि नंबर 1 की जितने भी हमारे प्रश्न पत्र हैं उनकी गोपनीयता को बनाए रखना सबसे पहली प्राथमिकता होगी और इसी के लिए मोबाइल फोन्स पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे किसी भी एग्जाम सेंटर के कैंपस में ले जाने के लिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी प्रकार के व्यक्ति, चाहे वो कोई स्टाफ हो, केंद्राध्यक्ष स्वयं हो, सहायक केंद्राध्यक्ष हो या ड्यूटी में लगे हुए जो कक्ष के पर्यवेक्षक रहते हैं, उनमें से भी किसी को भी मोबाइल अलाउ नहीं रहेंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस बार जो प्रश्न पत्रों का वितरण है कक्ष के भीतर वो एक विशेष प्रक्रिया से किया जाएगा। तो उसके सेट बनाए गए हैं, जो अपने यहाँ प्रश्न पत्रों के सेट्स होते हैं तो वो इस तरीके से वितरण किए जाएंगे कक्ष में कि जो बच्चा किसी के पास ए सेट का पेपर है उसके अगल बगल या पीछे की तरफ जो बैठे हुए हैं उनके पास समान सेट का पेपर नहीं होगा, ताकि परीक्षा की जो गोपनीयता है वो बनी रहे। साथ ही केंद्रों पर जो सामान्य व्यवस्थाएं रहती हैं जिसमें बच्चों के लिए पानी पीने की व्यवस्था, इस तरीके से उनकी क्यू लगवाई जाए ताकि कम समय उनका लगे। जो केंद्र की व्यवस्थाएं रहती हैं जिसमें किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश ना हो, इस तरीके की ताकीद सभी केंद्राध्यक्षों को की गई है। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता किसी भी केंद्राध्यक्ष की होगी। तो इसके लिए आवश्यक है, जो एक और दिशा निर्देश में चेंज हुआ है कि जो प्रश्न पत्रों के सेट वाले लिफाफे होंगे वो लिफाफे परीक्षा कक्ष के भीतर ही खोले जाएंगे। अब केंद्राध्यक्ष भी उन लिफाफों को नहीं खोल सकेंगे, वो सील्ड लिफाफे होंगे और जहाँ पर स्टूडेंट्स को वितरण होता है प्रश्न पत्रों का वो लिफाफे वहीं खोले जा सकेंगे। तो इससे और अधिक गोपनीयता को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर के इन्हीं सब चीज़ों का एक ट्रेनिंग कल भी कलेक्टर प्रतिनिधियों को भी दिया गया है कि वो अपने पर्यवेक्षण के समय ये सभी चीज़ें इंश्योर करेंगे कि इन सभी का पालन हो रहा हो। और यदि परीक्षा के दौरान कहीं भी ऐसा पाया जाता है कि परीक्षा प्रश्न पत्रों की गोपनीयता को लेकर के परीक्षा का जो प्रोटोकॉल है उसको लेकर के कहीं भी किसी भी केंद्र में कॉम्प्रोमाइज की स्थिति बनती है, ऐसी स्थिति में हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे और केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष और जो भी कलेक्टर प्रतिनिधि बनाए गए हैं उनकी ये पूर्णतः जवाबदारी होगी कि ऐसी स्थितियां ना बने। जो संवेदनशील और अति संवेदनशील ऐसे केंद्र बनाए गए हैं अपने यहाँ उनमें इस तरीके की व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बाकी सभी केंद्रों के लिए सामान्य व्यवस्थाएं रहेंगी। लेकिन वहां पर जो विभिन्न फ्लाइंग स्क्वाड्स रहते हैं उनका आदेश जारी किया जा रहा है, वो फ्लाइंग स्क्वाड के साथ में DO की टीम, मंडल की टीम भी आती है, डिविजनल लेवल की टीम रहती है, वो सभी भी ऑन टोज रहेंगे परीक्षा के दौरान। पिछले कुछ वर्षों में ये देखने में आया है कि कहीं यदि परीक्षा प्रश्न पत्र कहीं फोन के माध्यम से कहीं जाते हैं तो ऐसे केसेस में बहुत गंभीर कार्रवाइयाँ, बहुत ही कड़ी कार्रवाइयाँ विभाग द्वारा की गई हैं। तो इसमें ना सिर्फ विभागीय कार्रवाइयां हैं बल्कि आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराकर कार्रवाइयां की जाएंगी। देखते रहिए
टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।